वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ स्टार्ट। वस्तु को विकृत करने में किया गया कार्य, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। वस्तु को विकृत करने में किया गया कार्य करनी है इसमें। अब आपको काम कार्य निकालना है वस्तु को विकृत करने में, कितना कार्य किया जा रहा है यंग के लिए भी और अपरूपण में भी और आयतन में भी, तीनों में कार्य का मान निकाल के लाना है। डेफिनेशन लिख दो। कार्य कैसे निकालोगे, जब जब उसके आकार में परिवर्तन करोगे तब उसका कार्य होगा। आप किसी भी चीज़ को पकड़ के दबा दो तो उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, आयतन में कमी आएगी तो उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा। जब आकार परिवर्तित हो जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। डेफिनेशन लिख दीजिए पहले इसकी। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु या पिंड विकृत हो जाता है, तो वस्तु या पिंड विकृत हो जाता है। वस्तु को विकृत करने में बाह्य बल द्वारा वस्तु को विकृत करने में बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ता है, बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ता है। कार्य को करने में जो ऊर्जा खर्च होती है, कार्य को करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह विकृत वस्तु में संचित हो जाती है। जिसे विकृत ऊर्जा या जिसे विकृत ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, जिसे विकृत ऊर्जा या प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए तीन प्रकार की विकृतियों में किए जाने वाले कार्य, तीन प्रकार की विकृतियों में
किए जाने वाले कार्य। पहली डालिए अनुधैर्य विकृति, फर्स्ट, पहला पढ़ेंगे हम। कार्य निकालना है सबके अंदर अनुधैर्य विकृति। अनुधैर्य विकृति कब उत्पन्न होती है? जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुधैर्य विकृति होती है, ठीक है। और अनुधैर्य विकृति लंबाई में परिवर्तन के लिए कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक निकालते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो अनुधैर्य विकृति लंबाई में परिवर्तन करेगी तो निकालूंगी मैं इसके अंदर यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लिखिए। यदि लिखिए इसके अंदर, यदि कैपिटल एल लंबाई, यदि कैपिटल एल लंबाई ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में लंबाई के अनुदेश बल लगाने पर विस्तरण होता है तब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, विस्तरण होता है तब यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुधैर्य प्रतिबल अनुधैर्य विकृति। अनुधैर्य प्रतिबल क्या होता है? एफ अपॉन ए। अनुधैर्य विकृति एल अपॉन कैपिटल एल, या अनुधैर्य प्रतिबल हो गया या अनुधैर्य विकृति हो गई। वाई बराबर क्या आ जाएगा? एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल, बल निकाल रही हूं, बल कितना आएगा? वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। इक्वेशन डाली फर्स्ट, बल इसने निकाल लिया, मुझे कार्य निकालना, कार्य जो होता है वो बल इनटू विस्थापन होता है, इसलिए मैंने पहले क्या निकाल दिया है? बल। अब विस्थापन, अब मैं निकालूंगी यहां से कार्य का मान। देखते जाइए, आगे लिखिए इसके, यदि इसके बाद लिखिए, यदि तार की लंबाई dl और बढ़ाई जाए, मैंने बल लगाने पर डीएल लंबाई और बढ़ा दी जाए तो किया गया कार्य, डीएल लंबाई और बढ़ाने में कार्य कितना करना पड़ेगा? डीडब्ल्यू क्या होता है? कार्य बल इंटू विस्थापन, बल तो गया है, अब विस्थापन कितना करा है? डीएल लंबाई और बढ़ाई है तो एफ इंटू डीएल। F का मान रख दो, निकाल चुके F का मान, dW बराबर F का मान आया y a small l over capital into dl। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। कर दूं?
ये तो डीएल लंबाई बढ़ाने में किया गया कार्य है। अगर मैं पूरी लंबाई एल बढ़ा दूं तब तार की लंबाई एल बढ़ाने में किया गया कार्य समाकलन कर देंगे दोनों साइड डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू समाकलन एफ डॉट डी एल और लंबाई कहां से कहां तक हो गई जीरो से एल तक का मान रख देते हैं आई एल अपॉन एल डी एल डब्ल्यू वाई ए अपॉन कैपिटल एल तो बाहर और समाकलन किसका हुआ जीरो से एल के सापेक्ष एल डी एल का एल का होता है एल स्क्वायर अपॉन टू डब्ल्यू ये पूरे तार पर की गई लंबाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट तार का आयतन कितना होता है बी क्षेत्रफल इंटू लंबाई ए इंटू एल ए इंटू एल को क्या लिख सकते हैं अपन वी आते हैं एकांक आयतन में किया गया कार्य तो ये निकल गया अगर एकांक आयतन में निकालना है तो इसको भाग देना पड़ेगा बी से डब्ल्यू अपॉन वी देखो मुझे कार्य निकालना है कार्य होता है बल इनटू विस्थापन डीएल लंबाई बढ़ाई है तो ये डीएल हो गया बल तो मैंने निकाल ही लिया था वाई एल अपॉन एल डीएल समाकलन कर दिया एल स्क्वायर अपॉन टू ये निकल गया मेरा कार्य का मान। अब मुझे यहाँ तक खत्म हो गया कार्य जो निकाला है लेकिन अब मुझे तार का आयतन निकालना है आयतन जो होता है वो कितना होता है क्षेत्रफल इनटू लंबाई। अब मैं प्रति एकांक आयतन में बल का मान निकालूं बल यही है लेकिन मुझे प्रति एकांक आयतन में और निकालना है तो मैंने क्या कर दिया वी का भाग दे दिया वी का इसमें भाग दिया तो वी का इसमें भी भाग दो और वी का मान कितना है ए इंटू एल तो ए इंटू एल दोनों जगह रख दो निकल जाएगा डब्ल्यू अपॉन आयतन का मान कितना है ए इंटू एल कार्य यही निकल गया है। अब मैं प्रत्येक अंग आयतन में कार्य का मान और निकाल रही हूँ एल से इसमें भी भाग देना पड़ेगा वन अपॉन ए एल ए से ए कैंसिल वन अपॉन एल ए से ए चला गया जरा एक मिनट रुको अच्छी बच्चों ने आप
चलिए कर दूरा प्रतीक अंक आयतन कितना मान निकल गया हमारा बाई एल स्क्वायर अपॉन टू कैपिटल एल स्क्वायर। कार्य प्रतीक अंक आयतन का मान है इसको मैंने मान लिया कैपिटल डब्ल्यू। कार्य प्रतीक अंक आयतन वन अपॉन टू अलग कर दिया बाई अलग कर दिया स्मॉल एल इसके साथ एक कैपिटल एल इसके साथ एक स्मॉल एल और एक कैपिटल इसी को मैंने तोड़ दिया है वन अपॉइंट टू अलग कर दिया बाई स्मॉल एल कैपिटल एल अलग कर दिया एक एल और एक एल एक साथ लिख दिया इसको डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मान लिया। कार्य प्रतीक अंक आयतन में कैपिटल डब्ल्यू वन अपॉन अब देखो जहां बाई बाई क्या होता है आपका प्रतिबल बटा विकृति प्रतिबल होता है एफ ओवर है और विकृति होता है स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। चलो इसका मान देखो कितना आता है वाई स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इधर चले गया इसके बराबर आता है एफ ओवर ए की जगह तो इसके जगह तो रख सकती हूँ एफ ओवर ए। नोट कर रहे हो ना और स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल क्या होता है स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल स्मॉल एल होता है आपका ये क्या होता है स्मॉल एल लंबाई में परिवर्तन और कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई क्या होता है लंबाई में परिवर्तन प्रारंभिक लंबाई अनुदैर्ध्य विकृति तो इसे बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति। चलो रख दीजिए वैल्यू कैपिटल डब्ल्यू वन अपॉन टू इंटू एफ अपॉन ए किसके बराबर आया वाई एल अपॉन एल के बराबर था इसकी जगह तो रख दिया एफ ओवर है और ये क्या निकल गई आपकी विकृति एल ओवर एल की जगह रख दिया मैंने विकृति डब्ल्यू वन अपॉन टू एफ ओवर ए क्या होता है प्रतिबल इंटू विकृति ये निकल गया आपका कार्य। कंप्लीट टॉपिक नोट कर लीजिए खत्म टॉपिक। कार्य निकालना था मुझे कार्य प्रति एकांक आयतन कितना निकला है वन बाई टू प्रतिबल इंटू विकृति। चलिए नेक्स्ट डालिए कंप्लीट कर दूरा पहला तो निकाला है हमने अनुदैर्ध्य विकृति दूसरा लिखिया आयतन विकृति।
कल एंड हो जाएगा ये चैप्टर, कल खत्म हो जाएगा ये आपका पूरा, कल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैकेनिक्स का। नेक्स्ट डालिए आयतन विकृति। आयतन विकृति के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। वहां पर निकाला था यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यहाँ निकालना पड़ेगा आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। फिर जैसे आपने कार्य के लिए एफ डॉट डी आर करा था, वैसे वहां से बल का मान निकालोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर आप प्रत्येकांक आयतन में कार्य निकालोगे। लिख दीजिए पहले इसमें, यदि यदि ए क्षेत्रफल वाले, यदि ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बल एफ लगाने से, बल एफ लगाने से बल एफ लगाने से वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के अनुसार, तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के अनुसार आयतन प्रत्यास्थ गुणांक किससे भी नोट करते हैं, कैसे? आयतन प्रतिबल, आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल एफ अपॉन ए विकृति, पहले आयतन में परिवर्तन स्मॉल बी और प्रारंभिक आयतन मानना माने कैपिटल बी, तो के कितना निकला, एफ कैपिटल बी ए स्मॉल बी, आयतन में परि, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के। यहां से मैं बल का मान निकालूंगी, बल निकालिए क्या निकलेगा, के ए बी ओवर कैपिटल यू, ये निकल गया बल। अब निकालना है आपको किया गया कार्य, यहाँ तक लिखो पहले, सॉरी आगे लिखिए, यदि इस पृष्ठ के लंबवत, इसके बाद करिए, यदि इस पृष्ठ के लंबवत सूक्ष्म विस्थापन dx होता है, सूक्ष्म विस्थापन dx होता है, तो किया गया कार्य कार्य निकालते हैं, क्या होता है डी डब्ल्यू डॉट डी एक्स, एफ की वैल्यू रख दीजिए, के ए बी अपॉन कैपिटल बी इंटू डी एक्स, जहां
ए डॉट डी एक्स क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन और सूक्ष्म आयतन आएगा डीवी डीडब्ल्यू के वी ओवर कैपिटल वी इंटू डीवी। इक्वेशन डालिए नंबर सेकंड। सेकंड आगे लिखिए डीवी स्मॉल है भी, ये कैपिटल भी नहीं है, स्मॉल है। हो गया। आगे लिखिए आयतन परिवर्तन करने के लिए बल द्वारा किया गया कार्य। आयतन परिवर्तन करने के लिए बल द्वारा किया गया कार्य। समाकलन करेंगे W जीरो से V तक के वी डी वी अपॉन कैपिटल V। W करेंगे वी स्क्वायर अपॉन टू। डब्ल्यू क्या निकल गया, वन अपॉन टू के ओवर वी वी स्क्वायर। अब प्रतिएकांक आयतन में निकालेंगे, लिख लीजिए यहां तक। आगे चलो पहले रीजॉइन करो, इसके आगे तब करेंगे। रीजॉइन करिए, रीजॉइन करो।